हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में। तो इंडिया के जो है वो लैंड बाउंड्री मिलती है इंडिया की 7 कंट्रीज़ के साथ, और जो ओशन में जो सबसे ज़्यादा पास इंडिया के कंट्रीज़ हैं वो दो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। हम उनके बारे में देखेंगे और उनके कैपिटल्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेपाल से। ये देखिए, ये है हमारा नेपाल, यहाँ पर जो पड़ता है नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो यहाँ पे कुछ पड़ती है, और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स नेपाल से लगती हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बॉर्डर जो है वो भी नेपाल से लगती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ऐसे करके उसकी भी बॉर्डर लगती है। यहाँ पे हमारा बिहार है, बिहार की बॉर्डर लगती है। और यहाँ थोड़ा सा वेस्ट बंगाल आ जाता है, ऐसे करके वेस्ट बंगाल की लगती है। और यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम की बॉर्डर लगती है नेपाल से। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। अब देखिए, नेपाल और यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चाइना है, और इंडिया का यहाँ से इतना वाला जो पूरा एरिया है, इसका जो बॉर्डर है लगता है चाइना से, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अब ये देखिए, जो हमारा थर्ड नेबर है ये है भूटान, यहाँ पे पड़ता है भूटान। भूटान हमारे कौन कौन सी स्टेट से लगता है? एक तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, सिक्किम से लगता है, और असम से लगता है इसका बॉर्डर, और काफ़ी ज़्यादा पास भी पड़ता है इसके वेस्ट बंगाल भी। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। फिर यहाँ पे हमारा जो थर्ड नेबर है ये है बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो बॉर्डर एरिया है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर मिलता है हमारा किसी भी देश से, वो है बांग्लादेश। अराउंड 4,500 किलोमीटर के अराउंड जो है लैंड बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और बांग्लादेश की कैपिटल यहाँ पर पड़ती है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। फिर हमारा फोर्थ जो है नेबरिंग कंट्री है वो देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार का बॉर्डर हमारी काफ़ी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगता है, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लगता है, नागालैंड, मिजोरम से लगता है, मणिपुर से लगता है। और नागालैंड मतलब यहाँ पे इन सारी की सारी जो हमारी स्टेट्स हैं इनसे बॉर्डर लगता है। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाई पाई दाऊ, वो कुछ यहाँ पे पड़ती है, और उसकी कैपिटल का नाम है नाई फेई दाऊ। अब देखते हैं, हमारी ईस्टर्न साइड में चलते हैं। हमारी वेस्टर्न साइड्स की जो भी नेबर्स थे वो हमने देख लिए, अब ईस्टर्न साइड में जाते हैं। पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा बॉर्डर लगता है हमारी कंट्री से, एक लगता है गुजरात से, फिर यहाँ पे राजस्थान पड़ जाता है, फिर यहाँ पे पंजाब है, और यहाँ पे ऊपर कश्मीर है। तो इन सारी स्टेट से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है हमारे देश से। तो और पाकिस्तान की कैपिटल है यहाँ पर कुछ पड़ती है, पाकिस्तान की कैपिटल जो है इस्लामाबाद। और जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का इंडिया से काफ़ी छोटा सा बॉर्डर पड़ता है, काफ़ी छोटा सा बॉर्डर जो है वो मिलता है इंडिया का, वो है अराउंड 100 किलोमीटर्स का बॉर्डर मिलता है। और जो अफ़गानिस्तान है उसकी कैपिटल है काबुल, जो कुछ यहाँ पर पड़ती है काबुल। और अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से नेबर्स, हमारे 7 नेबर्स हो गए जिनकी लैंड बाउंड्री मिलती है। अब हमारे जो कुछ ओशंस में हैं जो बिल्कुल हमारे पास पड़ती हैं कंट्रीज़, वो हैं दो कंट्री, एक है श्रीलंका और एक पड़ती है ये है मालदीव। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, जो कुछ यहाँ पर पड़ती है। पहले इसकी कैपिटल कोलंबो थी, अब उसका नाम हो गया है कैपिटल का श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। और यहाँ पे एक और हमारा ओशन फेयरिंग नेबर है जो है मालदीव्स, और मालदीव्स की कैपिटल है माले। तो मालदीव्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है, और हमारे साउथ लक्षद्वीप जो है इंडिया का, इंडिया के आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, वो लक्षद्वीप से थोड़ा साउथ में पड़ता है मालदीव्स। तो हमारी सारी की सारी हो गई कंट्रीज़ कंप्लीट। कौन कौन सी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्री है नेपाल, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। फिर आता है भूटान, भूटान की कैपिटल थिम्पू। बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। म्यांमार की कैपिटल नाइपेई दाओ। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल, और मालदीव्स की माले, और श्रीलंका की है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और ये कौन कौन से ओशंस में पड़ते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इंडियन ओशन का एरिया है। जो ये नीचे वाला जो एरिया है हमारा, जो पड़ता है नीचे का एरिया ये वाला, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। और ये है हमारा अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल। तो जो हमारा मालदीव्स है वो हमारा अरेबियन सी वाले एरिया में पड़ता है, और जो श्रीलंका है वो बे ऑफ बंगाल के ज़्यादा पास पड़ता है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आता है हमारा इंडियन ओशन में। तो हो गया हमारा जो 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 हमें पढ़ना था आज के लेसन में कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।